गुड इवनिंग एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब्स ट्यूटोरियल सीरीज। आज है डे 12। आज हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मेरे पास ये एक ई टैब्स ट्यूटोरियल कंटेन है, ये सिलेबस या मॉड्यूल कह सकते हो आप, ई टैब का पूरा इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही हम कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे इसी सीक्वेंस में एक चीज़ को लेके चलेंगे। रैंडमली हमारी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए हम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक एक टॉपिक करके, हम कुछ टॉपिक हो चुके हैं उनको हम स्किप कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ETAP मॉड्यूल कंटेन से, तो फर्स्ट है आपका ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन क्या है? एनालिसिस होता है जब आपका किसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नल लोड की वजह से जो इंटरनल फोर्स जनरेट होते हैं उनको कैलकुलेट करना, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन, ये सब कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं एनालिसिस। और डिज़ाइन बोलते हैं कि उस लोड को बेयर करने के लिए हमारा उस स्ट्रक्चर का मटेरियल क्या होगा, उसके सेक्शंस का साइज क्या होगा, और उसमें रिइंफोर्समेंट करने के लिए उसमें और कौन से मटेरियल हम डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिज़ाइन। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू ई टैब सॉफ्टवेयर। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है जो बहुत फेमस है, ई टैब्स, जो CSI कंप्यूटर एंड स्ट्रक्चर कंपनी का है, जो जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में कैलिफोर्निया में है। ई टैब स्पेशली, ई टैब CSI कंपनी का है, तो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, CSI के SAP है, ई टैब है, ई टैब ब्रिज है, तो उनमें से एक ई टैब स्पेशली बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए होता है आपका। इसमें केवल हम बीम, कॉलम और स्लैब भी डिज़ाइन नहीं कर सकते, एनालाइज कर सकते हैं। स्लैब डिज़ाइन करने के लिए आपके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है CSI का, SAP 2000, तो इसमें बीम कॉलम ही डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेशली टॉल बिल्डिंग के लिए है। इसमें सिज्मिक, विंड और पुश ओवर जैसे एनालिसिस जैसे फीचर्स हैं। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेट। ग्लोबल कोऑर्डिनेट मींस होता है वो कोऑर्डिनेट जो पूरे स्ट्रक्चर को आपका की डायमेंशंस या पोजीशन शो करते हैं। जैसे कि हम ई टैब में देख लेते हैं, एक न्यू फाइल, ये आपकी ग्रिड आ जाएगी। ये ग्रिड आ गई है, कुछ बीम्स डिजाइन, बीम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे ग्लोबल कोऑर्डिनेट। तो देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट है जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट क्या है, आपका पूरी बिल्डिंग को ये कोऑर्डिनेट क्या है, आपके पूरी बिल्डिंग के, बिल्डिंग की डायमेंशंस और पोजीशन बता रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग आपकी इस ओरिजिन से कहाँ पर है। अगर हम किसी एक मेंबर की बात करें कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम इसके कोऑर्डिनेट एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट चाहिए आपके मेंबर को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। ये क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बीम की, तो बीम आता है फ्रेम असाइनमेंट में, और किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, एक्सिस की, लोकल एक्सिस, ओके एंड ओके। तो देखिए, सभी बीम के लोकल एक्सिस आ गए, ये एक्स है,
ये जेड है और वाई अप होगा। तो किसी एक बीम के जो खुद के एक्सिस होते हैं, जो उसकी लेंथ में, लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस होता है, वो होते हैं लोकल एक्सिस, और ग्लोबल जो पूरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायमेंशन शो करते हैं, वो होते हैं आपके ग्लोबल। तो ये है आपका लोकल एंड ग्लोबल। नेक्स्ट यूनिट सिस्टम आपको हो चुका है आईएस कोड। हर कंट्री का अपने कुछ कोड्स होते हैं, जिस कोड के में गाइडलाइन होती है किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की। तो जो इंडियन कोड है उन्हें आईएस कोड्स बोलते हैं। कुछ आईएस कोड हैं, से IS456, IS875, IS1893, IS413920, इन सब कोड्स की हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म ग्रिड सिस्टम, जो मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियोस में। कस्टम ग्रिड भी मैं आपको बता चुका हूँ। डिफाइंड मटेरियल भी हो चुका है हमारा, फ्रेम भी हम बना सकते हैं, स्लैब भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डिफाइन वॉल। वॉल कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। यहाँ पे हमने किया ऑल स्टोरे और पूरे बीम और कॉलम हमने ड्रॉ कर दिए, और क्या करते हैं लोकल एक्सिस यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। तो हम बात करते हैं बॉल की। बॉल के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा मटेरियल। एड न्यू मटेरियल, इंडियन मैसनरी, अगर ब्रिक वॉल है तो मैसनरी, ओके। ये प्रॉपर्टीज हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। ये मैसनरी यहाँ पे आ गया एंड ओके। फिर जाना है आपको डिफाइन सेक्शन, एंड यहाँ पे आपका वॉल सेक्शन, एड न्यू। मान लीजिए मैं 230 mm की एक वॉल डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया वॉल 230, और यहाँ पे मैसनरी स्पेसिफाइड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये क्या होता है स्पेसिफाइड में, क्या होता है, एक लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में से एक बेस्ट जो हमारा मेंबर होता है वो चूज़ करते हैं कोड के अकॉर्डिंग। तो वॉल मटेरियल मशीनरी टाइप मैंने बता चुका है, जो लोड बेयर नहीं करता, टोटल लोड आप ट्रांसफ़र कर देता है, उसको मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और थिकनेस ज़्यादा शेल थिक, कम थिकनेस को थिन, और लेयर में वो ना ही लोड ट्रांसफ़र करेगा ना ही लोड बेयर करेगा, जनरली हम मेम्ब्रेन्स लेते हैं। कलर आपकी वॉल का ये है, और थिकनेस इंचीज, यूनिट हमारी इंचीज में है, तो 230 mm होता है आपका 9 इंच, ओके। ये आपका वॉल 230 आ गया, ओके। अब देखिए वॉल ड्रॉ करने के यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक ये है एक ये है। ये ऑप्शन क्या है, हमें जॉइंट टू जॉइंट क्लिक करना होगा। इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप वॉल ड्रॉ करेंगे तो प्लान में होगी, एलिवेशन में ड्रॉ नहीं होगी, ना ही 3D में होगी। तो प्लान में ये वाली वॉल ऑप्शन, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ली वॉल 230, अब इस जॉइंट पे क्लिक किया और इस जॉइंट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल ड्रॉ हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ वन स्टोरे करता हूँ और फिर इस जॉइंट से इस जॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो केवल एक स्टोरे होगी। आपने इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, हमने टॉप के बीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे नीचे ड्रॉ हो रही है। अगर मुझे ऊपर एक बाउंड्री वॉल बनानी है, तो पहले मुझे ऊपर एक ग्रिड बनानी होगी उतनी ही हाइट की। मान लीजिए 1 मीटर की पैरापिट वॉल है, तो इससे हमें 1 मीटर ऊपर एक ग्रिड या बीम कॉलम बनाने होंगे। फिर ये वॉल बनाने के बाद बीम कॉलम डिलीट करने होंगे, क्योंकि ये नीचे की ओर ड्रॉ होता है। नेक्स्ट आपका ये वाली जो वॉल है, इस पर केवल सिंपल बीम पे क्लिक करना है, डिटेक्ट कर लेगा और बना देगा। ठीक है, ऑल स्टोर आप कर देंगे तो नीचे तक करेगा। तो ये था आपका वॉल। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ बीम एंड कॉलम, ये भी मैं बता चुका हूँ। सेट प्लान व्यू, ये एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने भी आप व्यू ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका 3D हो, इसका प्लान हो, इसका एलिवेशन हो, और इसका पर्सपेक्टिव व्यू हो। तो सारे व्यू आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेट एलिवेशन व्यू, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको।
वर्किंग विंडो भी बता चुका हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है स्लैक टूल, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा ही लंबा है, इसके बारे में बहुत सारे टूल्स हैं स्लैक टूल के अंदर, उसकी बात हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अभी वीकेंड्स आ गया है तो मैं कल से दो दो वीडियो अपलोड करूँगा, तो हम जल्दी ही प्रोजेक्ट्स वाली एडवांस वीडियो पे हम पहुँच जाएंगे। थैंक यू।